हैं और के क्वेश्चंस क्या बोला है, एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ बीम। देखिए एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ बीम की बात किया है, तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ बीम की बात करें तो दो तरीके के होते हैं बीम, एक तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है और एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होता है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कोई तीन टाइप के बीम को, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिस्ट आउट कर देने का, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं। पहला, अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से पहले आ जाएंगे, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम आ जाता है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा आ जाता है कैंटिलीवर बीम, तीसरा आ जाता है ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। अभी इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन भी कर देंगे, बाकी दूसरा भी है एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट बीम, उसमें पहला क्या आ जाता है, जैसे कि फिक्स बीम है, और ये चीजें आप फिक्स बीम है चाहे कंटिन्यूस बीम है, ये चीज एडवांस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में भी आप पढ़ोगे इसके रिलेटेड। इसमें जो SM1 है यही तीन के बारे में आप पढ़ाई हो, और सी आप देखोगे तो प्रॉप कैंटिल्यूवर बीम होता है। हालांकि अपने वीडियोज में मैंने प्रॉप कैंटिलीवर बीम अपने वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं, ठीक है, तो कोई तीन को एक्सप्लेन करके भी तो बताना है ना, कोई तीन को एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पर देखिए बीम कभी भी एक्सप्लेन किया जाता है तो क्या बताया जाता है कि उसमें रिएक्शन डिटर्मिनेट किसको बोला जाता है, इनडिटर्मिनेट किसको बोला जाता है, ये चीजें तो आपको समझ में है, ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में है, आसानी से इसको समझ सकते हैं क्यों इसको डिटर्मिनेट बोला जाता है, इनडिटर्मिनेट बोला जाता है, ये चीजें मैंने समझाया है। फिर भी ज़्यादा उतना मतलब फोर्स मत करिए, मतलब समझ ज़्यादा मतलब उसको ऊपर दिमाग को जोर मत डालिए, जितना सिर्फ बताया जा रहा है उतना समझिए। सिंपल का मीनिंग है उसमें जो नंबर ऑफ नोन रिएक्शन है और अननोन रिएक्शन है, ठीक है, जब उनका माइनस किया जाता है तो अननोन रिएक्शन अगर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो अननोन रिएक्शन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेट नहीं होगा, वो इनडिटर्मिनेट बीम होगा, यही लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है। तो यहां पर देखिए पहला मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम को एक्सप्लेन अगर करना चाहूं मैं तो यहां पर देखिए कैसा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें जो सपोर्ट होगा एक साइड में हिंज होगा और दूसरे साइड में रोलर होगा, ये होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हो सकता है कि ये W लोड लगे हों, चाहे कोई इंक्लाइंड लोड लगा हो W2, ये थीटा लगा हो, चाहे UDL लगे हों, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ठीक है, सिंपल सपोर्ट में। इसमें अगर देखेंगे तो नोन क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन क्या हो सकता है। देखिए हिंज के लिए दो होता है, एक हॉरिजेंटल एक होता है वर्टिकल होता है, HA और ये वर्टिकल VA, और यहाँ पर एक वर्टिकल होगा तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, कौन सा, एक तो HA आ रहा है, एक तो ये VA आ रहा है, और एक ये B है तो VB आ जा रहा है, एक VB आ जा रहा है, इतना ही आ रहा है, ठीक है, समझ में। और हमको पता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो तीन होते हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होते हैं वो भी थ्री होते हैं, आपको पता है कौन से होते हैं, वी वर्टिकल फोर्सेस समेशन वी इक्वल टू जीरो, समेशन एच इक्वल टू जीरो, और समेशन मोमेंट इक्वल टू जीरो, यही तो होता है ना, यही तो है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो जब
इन डिटरमिनेंट बताना हो तो आपको ये ध्यान रखना था, ये भी थ्री है ये भी थ्री है, तो जीरो आ रहा है तो ये डिटरमिनेंट होंगे, इसको सॉल्व किया जा सकता है इसी के मेथड से, बाकी को नहीं सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक के बेस पे आप इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने कैंटिलीवर बताया, कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूं तो कैंटिलीवर बीम इस तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक तो होता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल भी होता है रिएक्शन, और मोमेंट रिएक्शन भी होता है। मान लो ए पॉइंट था, तो ये तीनों यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए है। तीसरा अगर आपको बताना है तो ओवरहैंगिंग बता सकते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम किस तरीके से होता है, दो तरीके के, तीन तरीके के होते हैं। एक तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एक साइड में हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बीच में दोनों होंगे, दोनों साइड ओवरहैंगिंग होंगे। तो देख सकते हैं दो सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, तो इसी तरीके के दो